और कभी गुस्से में है ये? जब इसे खोद के इसको पैक करते हैं, उसके सही वातावरण में इसको रिलीज करने के लेके चलते हैं। एक घंटे के बाद काफी मेहनत मकसद होती रही। नाग है खाने वाला तो ऐसा नहीं है, हम भी आज ये सोच रहे थे शायद आज भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पांचाली एक बार फिर से आपको और सांप को बचाने के लिए बड़ा खुर्द गांव में पहुंच चुका हूं। बड़ा खुर्द गांव और खतौली की दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास होगी। तो यहां से मैं कितने सारे सांप रेस्क्यू कर चुका हूं अब तो चलिए देखते हैं आज कौन सांप मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, खतरा कभी हो सकता है। वो होगा ना जो यहाँ से पकड़ा जिस तरह से नहीं काला था वो तो रहा था। तो घोड़ा पछाड़ पाया होगा फिर वो जैसे ही हो मैंने ये दाब दिया था अंडे तो अंडे ठंड तो आया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति है उनके तो जनसंख्या इस गांव में बहुत कम है और हमें लग रहा है कि यहाँ सांपों की जनसंख्या ज्यादा है। अब तक कम से कम 30-35 सांप मैं यहाँ से रेस्क्यू कर चुका हूँ। तो वीडियो में देख कर बताइएगा कि अब तक किस इसने कैचर ने एक ही गांव से इतने सांप का रेस्क्यू किया है। आज तो भैया तो मैंने सुबह पकड़ लिया तो और वो भाग गया। धरती में उतर गया इसका भावड़ा दिखाओ। भावड़ा आ गया चलो का बहुत दिन में बढ़ रहा हूँ ज्यादा बटो का पारो दोस्तों अभी सांप दिखाई नहीं दे रहा, काफी मेहनत कर ली और हमने ये यहाँ से इनका पानी चलवाया पाइप के द्वारा। अब देखते हैं कि पानी से वो बाहर निकलता है या नहीं। सांप की मांस निकली, सांप कहाँ गए? सांप को लखोई दे देना सारे, पूरे सारे लखोई दिए सारे। एक घंटे के बाद काफी मेहनत मकसद होती रही और हमें कुछ ऐसा दिखाई दे, मिट्टी हिलती दिखाई दे रही है तो शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पर सांप है। देखिए ये रहा, पकड़ लो और ये घोड़ा पछाड़ है, ये घोड़ा पछाड़ सांप है। देखिएगा देखिएगा ये और कभी गुस्से में है ये जब इसे खोद के जाए।
पानी बंद करवा दो, पानी बंद कर दो जी। पानी 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 बैठा था ये। इसको क्या हो रहा? जेल लगाया कुत्ते से। कैसे हो रहा? इसके बाल काट दिए। अच्छा, जेल लिया का तुमने? देखिएगा दोस्तों, ये है इंडियन रैट स्नेक, नॉन वेनमस, और इसको रेस्क्यू करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। ये काफी उछल कर आंख में वार करता है। इसके काटने से व्यक्ति की मौत नहीं होती, केवल सेप्टिक वगैरह हो जाता है। कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई दे, आप खुद रिक्शा ना ले, तुरंत मुझे फोन करें या वन विभाग को करें। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, कोई सांप अगर काट ले तब भी आप तुरंत मुझे फोन करें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें कि झाड़ फूक जाए, तुरंत चक्कर में ना पड़े। ये सांप अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसके नाम है, कोड़ा पछाड़, रेड स्नेक, धामन और कई नामों से जाना जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा भय होता है व्यक्ति को, क्योंकि इसकी स्पीड देखकर ही सोचते हैं काफ़ी जहरीला होगा, तो इसमें जहर नहीं होता। देखिएगा, तो भाग गया, तो भाग गया भाई, कहाँ जाएगा ना भाई, पकड़े कोई ना। चलिए दोस्तों, इसको पैक करते हैं, उसके सही वातावरण में इसको रिलीज करने के लेके चलते। ये दो कलर में पाया जाता है, एक येलो कलर और एक ग्रे कलर। ये कई बार इसको देखकर लोग सोचते हैं कि नाग है खाने वाला, तो ऐसा नहीं है। हम भी आज ये सोच रहे थे शायद आज भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, बाकी वो नहीं मिला। अरे कोई टाइट कर दिया भाई, बेटा तू कर दिया, ये टाइट कर दिया। चलिए बाबा, इसमें चलिएगा, लो दिखाओ दिखाओ। अब क्या देखे हैं तुम? जब तो देखे हैं, जब देखे हैं। मैं तो हाथ भी जाहिर लेता हूँ ये। चलिए, ये देखिएगा, ये घोड़ा पछाड़ धामन भी इसको बोलते हैं, और बिना जहर वाला ये सांप होता है। देखिए, केवल भैंसे लोगों के अंदर ऐसे अंधविश्वास हैं सांपों के प्रति कि इनको देखते ही काफ़ी भय में हो जाते हैं और इनको मारने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन सांपों को ना मारें, जहां पर भी कहीं दिखाई दे तो हमें फ़ोन करें, हम इनका रेस्क्यू करेंगे और रिलीज करके जंगल।